सदस्य सब लोग कैसे हो, आशा करता हूँ ठीक हो। तो आज की इस नए वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का मैरी क्रिसमस वाला फोटो एडिटिंग। एंड इससे पहले मैं कभी भी मतलब मैरी क्रिसमस का फोटो एडिटिंग कभी नहीं किया हूँ, ठीक है। इस बार ही फर्स्ट टाइम किया हूँ इस साल। तो गाइस पूरा वीडियो को एंड तक देखना, आप लोग कुछ इस टाइप का अगर फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो, ठीक है। मुझे पता है आप लोग करना चाहते हो क्योंकि भाई साल में एक बार ही आता है, ठीक है। तो आप लोग करना चाहोगे जरूर यार। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल के अंदर अगर नया हो चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ऐसा है नया नया वीडियोस देखने के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम के अंदर जाके फॉलो भी कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस ये रहा रॉ फोटो, एंड मैं इस फोटो को इस लोकेशन पर क्लिक किया था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इस टाइप का लोकेशन कहाँ पर मिलेगा हम लोगों को। तो रोड के आसपास ना कुछ इस टाइप का बैठने का जगह होता है, वहीं पर मैं क्लिक किया था। एंड आप लोग चाहे तो इस फोटो को मतलब छत के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से क्लिक करने के बाद अब मैं इस फोटो को कटआउट कर लिया था। सो गाइस ये देख सकते हो कटआउट वाला पिक्चर, ठीक है। तो इसी पिक्चर को अब लेकर जाना होगा आप लोगों को शेयर करके पिक्सआर्ट के अंदर। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मैं पिक्सआर्ट के अंदर लेकर आ गया हूँ। एंड जिन लोगों को नहीं पता है कि किस तरीके से बैकग्राउंड को यूज करते हैं एकदम HD क्वालिटी में, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आप लोग सिंपली जाकर देख सकते हो। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर आके क्या करना है, आप लोगों को सिंपली जाना होगा ड्रॉ वाले टूल के अंदर। एंड ड्रॉ वाले टूल के अंदर आने के बाद आप लोगों को सिंपली ऐड फोटो ऑप्शन से यहाँ पर फोटो वगैरह PNG वगैरह ऐड करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो ये वाला बैकग्राउंड मैं पीछे यूज़ किया था बैकग्राउंड में, और इसको यहाँ पर मैं सिंपली डन कर दूंगा। डन करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से ब्रा कर लेना होगा आप लोगों को, ठीक है। पोजीशन करके पहले यहाँ पर मैं इसको जो इसका जो लेयर है लेयर को नीचे की तरफ ले आता हूँ फोटो के लेयर के नीचे। एंड देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोगों को पोजीशन कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से पोजीशन कर लेता हूँ। यहाँ पर पोजीशन करने के बाद सिंपली आप लोगों को बाहर एक टैप करना है। बाहर टैप कर देने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर फिर से क्लिक करना होगा लेयर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से आप लोगों को एक एम्प्टी लेयर लेना होगा। एंड यहाँ पर ऐड फोटो ऑप्शन से यहाँ से एक PNG ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जल्दी से मैं ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो ये वाला PNG, तो यही वाला PNG को आप लोगों को ऐड करना होगा। एंड यहाँ पर आप लोगों को सिंपली डन कर देना होगा। डन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ये जो ऊपर का लेयर है इसको नीचे ले आना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। फोटो को नीचे मतलब फोटो वाला लेयर के नीचे ले आना होगा। एंड इसको मैं बंद कर देता हूँ। एंड इसको यहाँ पर लाना होगा, एंड कुछ इस तरीके से इसको ब्रा करना पड़ेगा, ठीक है। ब्रा करने के बाद यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसको लगा दूंगा, ठीक है। लगाने के बाद फिर से यहाँ पर बाहर एक टैप कर दो, एंड यहाँ पर फिर से लेयर वाला ऑप्शन को ओपन करो। एंड यहाँ पर फिर से आप लोगों को एक एम्प्टी ले लेना होगा। एंड फिर से आप लोगों को यहाँ से ऐड फोटो ऑप्शन से PNG ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मैं ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। सो गाइस देख सकते हो ये वाला PNG यहाँ पर मैं ऐड कर लिया हूँ। एंड सिंपली यहाँ पर मैं डन कर दूंगा। डन करने के बाद फिर से सेम वॉक आप लोगों को नीचे ले आना है ये वाला लेयर को फोटो वाले लेयर के नीचे। एंड इसको बंद कर दो कर देता हूँ यहाँ से। एंड करने के बाद इसको यहाँ पर जूम करना होगा, बड़ा करना होगा थोड़ा सा कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से लगाया था इसको, एंड यहाँ पर मैं लगा दूंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी हो गया। अभी यहाँ पर जो बचा है और दो PNG, यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर एम्प्टी लेयर में मतलब यहाँ पर लेयर में जाऊँगा। एंड यहाँ से एक एम्प्टी लेयर लूँगा, एंड यहाँ पर ऐड फोटो ऑप्शन से PNG को ऐड करना पड़ेगा। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पर एक कैप का PNG यहाँ पर मैं ऐड कर लिया हूँ। एंड इसको यहाँ पर सिंपली डन कर दूंगा। डन करने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर पहले जो यहाँ पर जूम आउट कर लेता हूँ मतलब छोटा कर लेता हूँ। एंड कुछ इस तरीके से आप लोगों को बिठाना होगा, और मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ पिक्चर को ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखाई दे एंड मैं भी अच्छे तरह से कर पाऊँ। एंड यहाँ पर सिंपली क्लिक करना होगा एक बार 3D में, एंड ट्रांसफॉर्म कर देना होगा। एंड अच्छे तरीके से आप लोगों को फिक्स करके बिठा देना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छी तरह से बिठाना होगा, नहीं तो फेक लगेगा दिखने में। कुछ इस तरीके से बिठा देता हूँ। एंड बिठाने के बाद देख सकते हो गाइस पीछे मेरा हेयर दिख रहा है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर फोटो वाला लेयर को चूज़ कर लूँगा। एंड यहाँ पर जाऊँगा यहाँ पर इरेज़र टूल के अंदर, एंड यहाँ से साइज आप लोग मुताबिक आप लोग रख सकते हो। एंड ओपेसिटी आप लोगों को यहाँ पर 100 कर देना होगा, ठीक है। 100 करने के बाद जो यहाँ पर पीछे हेयर्स आ रहा है उसको सिंपली कुछ इस तरह से इरेज कर दो यहाँ से, और ये जो हेयर से गाइस यहाँ पर इरेज हो जाएगा, देख सकते हो अभी चला गया। एंड अभी बहुत ही बढ़िया लग रहा है दिखने में। और अभी जो यहाँ पर ऐड करना था वो मैं ऐड कर लिया हूँ यहाँ पर ड्रॉ वाला ऑप्शन से। अभी यहाँ पर मैं डन कर दूंगा। डन करने के बाद अभी जो PNG वगैरह है वो आप लोग सिंपली ऐड फोटो से भी ऐड कर सकते हो यहाँ से। तो एक एक करके यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो 3 PNG यहाँ पर मैं ऐड कर लिया हूँ एक ही बारी में। एंड इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से नीचे लगा दूंगा यहाँ पर गाइस कुछ इस तरीके से, ठीक है, फोरग्राउंड में। एंड ये जो मैरी क्रिसमस का टेक्स्ट PNG है इसको थोड़ा सा रोटेशन करेंगे कुछ इस तरीके से, एंड यहाँ पर छोटा करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। एंड ये जो वाला PNG है यहाँ पर लगाएंगे। तो आप लोग देख लेना, आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो लगा सकते हो ये वाला PNG, अगर नहीं लगा तो नहीं लगा सकते हो। लेकिन मुझे बाकी भाई यहाँ पर अच्छा लग रहा था तो इसलिए यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। तो इसको यूज़ कर लिया। एंड इसको थोड़ा सा शैडो डाल देंगे। तो शैडो डालने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा यहाँ पर शैडो वाला ऑप्शन पर, और हल्का सा इसको ओपेसिटी जो है वगैरह कम कर लेता हूँ यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। एंड पोजीशन को भी यहाँ से फिक्स कर लेते हैं भाई ताकि
ताकि सेक ना लगे। एंड यहाँ पर कुछ इसे से डन कर दूंगा। डन करने के बाद लास्ट एक पीएनजी आप लोगों को ऐड करना है बस यहाँ पर, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर मैं ऐड फोटो ऑप्शन से ऐड कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो ये वाला पीएनजी, एंड इसको आप लोगों को करना पड़ेगा यहाँ पर ब्लेंड मोड को चेंज करके स्क्रीन एंड कुछ इस तरह से जूम करना होगा आप लोगों को। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाना होगा आप लोगों को। लगाने के बाद आप लोगों को सिंपली इरेज वाला ऑप्शन पर जाना है एंड इरेज का यहाँ पर हार्डनेस फुल कर देना है एंड फेस के ऊपर जो आ रहा है उसको कुछ इस तरीके से हटा देना होगा सिंपली, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से हटा देता हूँ, यहाँ पर हटा दिया हूँ एंड यहाँ पर सिंपली डन कर दूंगा। डन करने के बाद यहाँ से भी डन। और देख सकते हो गाइस यहाँ पर पिक्सआर्ट के अंदर जो भी काम करना था यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आप लोगों को करना है कलर ग्रेडिंग। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, फोटो के यहाँ पर ड्रॉ टूल में अंदर जाने के बाद यहाँ से थ्री डॉट में क्लिक करके सेव इमेज कर लेता हूँ एंड अभी चलता हूँ लाइट रूम के अंदर इस फोटो को लेकर। सो गाइस यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो लाइट रूम के अंदर यहाँ पर मैं फोटो को ओपन कर लिया हूँ एंड अभी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को कलर ग्रेडिंग करना है। तो सिंपली यहाँ पर कलर टूल पे आना होगा आप लोगों को एंड यहाँ पर मिक्स टूल के अंदर आना होगा एंड ह्यू को हल्का सा कम रखता हूँ एंड सेचुरेशन हल्का सा इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आऊँगा ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर में यहाँ पर हल्का सा सेचुरेशन को डिक्रीज करूँगा क्योंकि मेरे फेस के ऊपर ऑरेंज ऑरेंज कलर आ रहा था। तो आप लोग का भी अगर ऑरेंज कलर आ रहा है फेस के ऊपर तो आप लोग कम कर सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। एंड फेस के ऊपर लाइट डालने के लिए यानी कि व्हाइट करने के लिए लुमियंस को यहाँ पर इंक्रीज करूँगा, तो लगभग यहाँ पर मैं 50 तक इंक्रीज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर जाऊँगा येलो कलर में एंड येलो का यहाँ पर सेचुरेशन हल्का सा इंक्रीज करूँगा एंड ह्यू हल्का सा मैं देख लेता हूँ गाइस, तो ह्यू को यहाँ पर हल्का सा इंक्रीज ही रखता हूँ, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ग्रीन में आऊँगा, ग्रीन का जो सेचुरेशन है यहाँ पर देख लेता हूँ गाइस हल्का सा कम रखता हूँ क्योंकि बेकार लग रहा है अगर इंक्रीज कर रहा हूँ, मतलब बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर मैं कम रख रहा हूँ। एंड ह्यू को देख लेता हूँ, तो ह्यू यहाँ पर हल्का सा कम ही रखता हूँ, अच्छा लग रहा है दिखने में कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पर सीएन कलर में आऊँगा, सीएन कलर यहाँ पर हल्का सा मैं यहाँ पर कम रखता हूँ, अच्छा लग रहा है। एंड सेचुरेशन देख लेता हूँ, सेचुरेशन हल्का सा डाल देता हूँ, ठीक है। एंड जो लुमियंस है इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देता है क्योंकि बहुत लाइट आ रहा है इसीलिए। एंड यहाँ पर ब्लू में आऊँगा, ब्लू में आने के बाद यहाँ पर हल्का सा कम रख देता हूँ कुछ इस तरीके से एंड सेचुरेशन हल्का सा डाल ही देता हूँ, ठीक है। एंड ये जो पर्पल कलर है इसका सेचुरेशन फुल डिक्रीज कर दूंगा एंड यहाँ से डन कर दूंगा। डन करने के बाद मेन काम यहाँ पर टेम्परेचर आप लोगों को डालना ही होगा, नहीं तो मैच नहीं करेगा बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पर टेम्परेचर हल्का सा यहाँ पर डिक्रीज कर देता हूँ, डालने के मतलब डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर हल्का सा कुछ इस तरीके करके यहाँ पर 22 तक रख रहा हूँ, तो आप लोग देख लेना आप लोगों का कितना डाल रहा हूँ तो आप लोगों का मैच हो रहा है। एंड टिंट को भी यहाँ पर हल्का सा डिक्रीज करेंगे, ठीक है। तो डिक्रीज हल्का सा बोलने का मतलब यहाँ पर 5 या 6 तक रख रहा हूँ। एंड वाइब्रेंस जो इसको थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, यहाँ पर 20 तक या 19 तक, ठीक है। तो 20 यहाँ पर कर दिया हूँ, सेचुरेशन हल्का सा डिक्रीज 6 तक डिक्रीज कर दिया हूँ। एंड अभी आप लोगों को यहाँ पर कलर फिल्टर के अंदर जाना है एंड आप लोगों को कलर फिल्टर यूज़ करना है आर्टिस्टिक 08 वाला, ठीक है। ये जब यूज़ करोगे आप लोगों का पूरा फोटो मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ आर्टिस्टिक 08 के ऊपर, देख सकते हो गाइस पूरा फोटो के ऊपर टोन आ गया है, बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है। तो इतना नहीं डालूंगा, यहाँ से ओपेसिटी का ऑप्शन है, ओपेसिटी हल्का सा कम लूंगा यहां पर, लगभग मैं डालूंगा 50 या 49 तक जो भी है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं डन कर दूंगा सिंपली। डन करने के बाद देख सकते हो गाइस कुछ इस टाइप का आप लोगों का फोटो बन जाएगा। बनने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस टूल के अंदर आना है एंड हल्का सा आप लोगों को विग्नेट ऐड करना है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं गाइस, एकदम हल्का सा। एंड इस टूल के अंदर आना है और शार्पनिंग ऐड करना है और रेडियस को हल्का सा थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। एंड डिटेल्स फोटो के अंदर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग डाल सकते हो, तो जैसे ही मैं थोड़ा सा डाल दिया हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। देख सकते हो गाइस पूरा फोटो के अंदर एकदम डिटेल्स आ गया, फेस के अंदर भी डिटेल्स आ गया। एंड अभी गाइस आप लोगों को लाइट एडजस्टमेंट करना है, तो लाइट वाला टूल के अंदर आ जाता हूँ एंड कॉन्ट्रास्ट हल्का सा यहाँ पर मैं कम रखूंगा, लगभग 18 तक। एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम रखेंगे क्योंकि लाइट नहीं चाहिए, हल्का सा डार्कनेस चाहिए। एंड यहाँ पर शैडो को देख लेता हूँ गाइस, तो शैडो यहाँ पर डिक्रीज रखना पड़ेगा, डिक्रीज रखोगे तो ही यहाँ पर डार्कनेस आ रहा है। तो यहाँ पर 22 माइनस कर देता हूँ, बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी। एंड यहाँ पर व्हाइट को भी हल्का सा कम रखता हूँ एंड ब्लैक को हल्का सा इंक्रीज, ठीक है। तो अभी आप लोगों का फोटो एकदम पूरा कंप्लीट हो गया है, तो अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ बिफोर वाला। ये देख सकते हो इस बिफोर वाला कैसा था पिक्सआर्ट से करने के बाद। एंड अभी देख सकते हो कलर ग्रेडिंग करने के बाद लाइट रूम से एकदम पूरा एकदम मक्खन बन गया पिक्चर, एकदम पूरा मैच हो गया है और कूल टोन भी आ गया फोटो के अंदर, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो ये वाला फोटो ग्रेडिंग आप लोगों को अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल के अंदर अगर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसा नया नया वीडियोस देखने के लिए। एंड ये वाला वीडियो शेयर जरूर से कर देना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी कर पाए कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग, क्योंकि भाई साल में एक ही बार आता है मैरी क्रिसमस, ठीक है। तो जरूर से शेयर कर देना और क्या गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।